अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और नई वीडियो। ये हमारा जौन सा हमारा नया डिज़ाइन है, ये बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारा, और इसमें कोई भी किसी किस्म का खर्चा नहीं है। ये हमने नलकी की मदद से ही हमने डिज़ाइन बनाना है। ये हमारी दो नलकियाँ हैं, एक सेम कपड़े की नलकी है और एक ब्लैक कलर की है। हमने ब्लैक कलर की भी नलकी लगानी है और सेम कलर की भी नलकी लगानी है। हमने फिरकी में 5 दूना धागा डाल लिया है डब्बी में, और हमें इसकी सेटिंग भी कर ली है डब्बी की। सेटिंग करके हमने नीचे हमने डब्बी लगा लेनी है, और ऊपर हमने ब्लैक कलर का धाना देना है। ऊपर हमने ब्लैक कलर का धागा लगा लेना है, ठीक है। ये जौन सा हमारा डिज़ाइन है ना, ये सेम भी है और सिंपल भी है, और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है हमारा। इसमें ज़्यादा आवर डिज़ाइन नहीं है, सिंपल सा है। जौन सा हमने दाना देना है वो हमने ब्लैक कलर का देना है। ब्लैक कलर का हमने धागा लगा लिया है। ये हमारी जौन सा, ये हमने पट्टी और पाकड़ पर डिज़ाइन बनाना है। हमारा ये सूट का हमारा कॉलर है, कॉलर पर हम नहीं डिज़ाइन बनाएंगे, सिर्फ पट्टी और पाकड़ पर। ये हमने सबसे पहले अपनी पाकड़ को, ये देखें, सिलाई लगा लिया है। एक सिलाई हमने लगा ली है, हमने टोटल हमने 3 सिलाइयाँ लगानी है। ज़्यादा नहीं लगानी या कम नहीं लगानी, हमने सिर्फ 3 ही सिलाइयाँ लगानी है। ये बहा जौन सा ना हमारा थोड़ा सा बड़ा ही रखना है, छोटा नहीं रखना, नॉर्मल सिलाई का नहीं रखना, बड़ा रखना। ये देखे कितना प्यारा हमारा डिज़ाइन बना हुआ है। अब हम पट्टी पर हम लगाते हैं सिलाइयाँ। ये हमारी पट्टी है, हमने पट्टी का साइज़ नाप लेना। नीचे से ठोका जौन सा है वो हमने ठोके का हमने निकाल लेना, कितना साइज है। जितनी हमारी पट्टी तैयार होती है, ठीक है, उतना हमने इसे रख लिया था, ठीक है। थोड़ा सा हमने ज़्यादा रखा था पट्टी की लंबाई से, कि बाद में हम काट लें, बाद में दिक्कत ना हो। ये हमने पट्टी में भी हमने 3 सी सिलाइयाँ लगानी है। ये जौन सा हमने दूसरी तरफ से हमने पैर की सिलाई लगाई है, जौन सी हमारे पैर की सिलाई का वहबा है, वो हमने बाद में ब्लैक कलर का धागा डोरी चलानी है। ब्लैक कलर की हमने डोरी बाद में हमने इस पर चलानी है। ये हमारा जौन सा डिज़ाइन था, ये हमारा मुकम्मल हो गया। एक स्टेप हमारा मुकम्मल हो गया। ये देखिए कितना प्यारा, ये हमने सेम लगाया है। अब हमने लगाना है इसके ऊपर ब्लैक कलर का, सेम कलर का जौन सा हमारा डिज़ाइन था वो मुकम्मल हो गया। अब जौन सा ब्लैक कलर का था धागा, जो ब्लैक कलर का धागा था वो हमने लगाना है अभी। अब हमने फिरकी में 4 दूना धागा ब्लैक जौन सा हमने वो डाल लिया है, और जौन सा हमने ऊपर दाना देना है वो हमने सेम ही कलर का देना है। ये हमारी पाकेट है, पाकेट हमारी 5.25 इंच है, ठीक है। अब हमने पाकेट जौन सा हमने साइज़ जौन सा नाप लेना, वो हमारा पाकेट हमारी तैयार 5.25 है, तो हमने दोनों तरफ से 1-1 इंच छोड़ देना है, दाईं तरफ भी और बाईं तरफ भी 1-1 इंच छोड़ देना। हमने छोड़ के जौन सा हमारा सेंटर में, जौन सा हमारा सेंटर में जगह बचेगी वहाँ हमने डिज़ाइन मुकम्मल करना है। ये हम सिलाई अब लगाते हैं। ये हमारी बैन और पाकड़ की हमारी सिलाई है। हमने जौन सा ऊपर जौन सा हमने धागा दिया है वो हमने सेम ही देना है। नीचे हमने ब्लैक धागा लगाया है, डोरी ब्लैक की हमने चलानी है। जो सी हमने ये साइड पे जगह रखी थी
ये देखिए हमने इसे मुकम्मल करना है। हमें हमारी जोन सी जितनी मर्ज़ी सिलाइयाँ लगे, नीचे तो हमने 3 सिलाइयाँ लगाई थी, ऊपर हमारी 4 भी लग सकती हैं, 5 भी, जितनी भी हमारी ये सिलाइयाँ लगनी है हमने इधर ही लगानी है। ये डिज़ाइन बहुत सिंपल सा है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा हमारा ये डिज़ाइन है। इसकी लुक भी बहुत ही अच्छी इंशाल्लाह आपको मिलेगी। ये जो सा हमारा पाकड़ का जो सा हमारा डिज़ाइन है वो हमारा मुकम्मल हो गया। ये देखें कितनी प्यारी इसकी लुक और कितना प्यारा इसका कलर, हमने हमारा कंट्रास्ट है देखें, बहुत ही प्यारा है। अब हम पट्टी पर लगाते हैं, ये हमारी पट्टी है। ये देखिए हमने नीचे से जो सा हमारा टोका है उस उधर से हमने इसे छोड़ देना और ऊपर से भी हमने उतना ही वहबा छोड़ देना है और सेंटर से हमने इस पर निशान लगा लेना है। सेंटर पे निशान लगाकर हमने नीचे 4.5 इंच पर निशान लगाना है और ऊपर 8 इंच, मतलब हमारा टोटल नीचे से ऊपर 8 इंच का निशान होगा। नीचे इसीलिए हमने ज़्यादा किया है कि ऊपर ये हमारा जो सा हमारा कॉलर है ना उसका दोनों का हमारा सेंटर हो जाए, हमारी पट्टी का जो सा ना वो हमारी पट्टी या डिज़ाइन जो सा है वो दोनों तरफ से सेंटर से आए। हम जो सी हमने सिलाइयाँ लगानी है बिल्कुल ही सिलाई के साथ ही सिलाई लगानी है। ये देखिए बहुत ही हमने आराम से बहुत ही अच्छे तरीके से हम सिलाइयाँ लगा रहे हैं, ये देखें। और ये ना हो कि आपने जो सा पहले हमने जो सी 3 सिलाइयाँ लगाई है उसके ऊपर लग जाए सिलाई, वो तो डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। आप इसकी एहतियात ज़रूर कीजिए, उसके ऊपर सिलाई के ऊपर सिलाई ना लगाएं, बिल्कुल साथ ही सिलाई लगाएं। जब तक हम सिलाइयाँ लगाते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए, हमारी नई से नई वीडियो आपके तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और हमारे चैनल पर आके विज़िट ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों पर शेयर भी कीजिएगा। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर आपके लिए हम डिज़ाइन की वीडियो बनाते हैं और हमारे चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखें हमारा बहुत ही प्यारा बहुत ही अच्छा हमारा ये डिज़ाइन लुक है। ये देखें कितनी प्यारी हमारी ये डिज़ाइन की लुक है, ये देखें बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा इसका कंट्रास्ट है। ये देखिए कितना यूनिक और कितना प्यारा और कितना ही सिंपल सा ये डिज़ाइन है, वो देखिए कितना ही प्यारा हमारा प्यारा सिंपल सा डिज़ाइन है। ये देखिए बहुत ही अच्छे हैं, आप भी घर बैठकर ट्राई इस डिज़ाइन की कीजिएगा। अगली वीडियो के लिए मुझे दे इजाज़त।